तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हेवी व्हिपिंग क्रीम, ये करीबन हाफ केजी है, इतनी मैं नहीं लूँगी, इससे थोड़ी सी कम लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बड़े बाउल में से निकाल कर अब हम इसे करेंगे अच्छे से बीट। तो आप अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी, हमें कम से कम 3 से 4 मिनट इसे बीट करना है। बट आप कंटिन्यूसली बीटर मत चलाइएगा, वो गर्म हो जाता है, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे साइड में रख के फिर आप इसे यूज़ कीजिएगा। ये देखिए 1-2 मिनट के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो गया और भी, और ये थोड़ा सा इसे ज़्यादा स्मूथ बैटर सा लग रहा है। अब मैं इसे और रेस्ट दे के थोड़ा बीट कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है ये व्हिपिंग क्रीम से बटर बनाने का, एकदम फ्रेश बटर बनता है, बहुत डिलीशियस लगता है। ये देखिए ये थोड़ा भी और गाढ़ा होते जा रहा है, इसे मैं और बीट करूंगी। ये देखिए ये काफी गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे एक टिप ऐसी है कि ये है, ये स्टेज है कि आप अगर केक के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे केक के लिए फ्रोस्टिंग, जो आइसिंग क्रीम हम बोलते हैं, व्हिपिंग क्रीम से बनाई हुई, तो ये स्टेज आ गई है। आप इसमें इससे पहले आप जस्ट 1 चम्मच शुगर डाल के इसे बीट करो और इस लेवल तक आप उसे बीट करते रहो। आपकी जो भी केक आप बना रहे हो उसकी फ्रोस्टिंग या उसकी आइसिंग रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए हमारे, अगर आप केक बना रहे हैं तो ये व्हिपिंग कलर स्लाइटली येलो दिखने लगेगा आपको, और इससे थोड़ा सा पानी सेपरेट होगा, जो बटर मिल्क हम कहते हैं, तो ये थोड़ा सेपरेट होगा। तो ये देखिए आगे हमारा बटर ऊपर और पानी भी, मीन्स जो बटर मिल्क है वो सेपरेट हो गया है। तो बस इस स्टेज तक हमें इसे बीट करना है कम से कम 3 से 4 मिनट, बीच बीच में इसे रेस्ट देते हुए। और ये देखिए मैं इसका बटर जो है वो अपने हाथ से सेपरेट कर ले रही हूँ, और ये बिल्कुल कितना सॉफ्ट है, रुई की तरह बिल्कुल भी हाथ को चिपक नहीं रहा है, एकदम सॉफ्ट मक्खन निकला है हमारा। और जो पानी इसका जो है, जो वाइट वाटर दिख रहा है, वो बटर मिल्क है। ये देखिए यहाँ से मैं सब उसका जो ऊपर आया हुआ जो गाढ़ा पार्ट होता है वो ऐसे थोड़ा सा स्क्वीज करके बटर साइड में कर रही हूँ। ये बहुत फ्रेश मक्खन होता है, आप इसे ऐसे ही ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं या किसी भी सब्जी में, कोई भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप इसका चाहे तो घी भी बना सकते हैं। आप ये जो बटर मिल्क है इसे आप आटे में, जो भी आप रोटी बनाएंगे या पराठा बनाएंगे उसमें आप इसे मिक्स करके रोटी बना सकते हो या पराठे बना सकते हो, ये बहुत हेल्दी होता है। तो बस ये जो बटर है इसे मैं अब एक ग्लास के बाउल में या ग्लास के कंटेनर में ही स्टोर करूँगी ताकि अच्छा रहेगा। और ये देखिए कितना फ्रेश और क्रीमी हमारा बटर बन के बिल्कुल रेडी है।
आज से 1 घंटे बाद अगर आप कोई भी रेसिपी के लिए यूज़ करना चाहे तो ये बिल्कुल रेडी रहेगा। तो बस ये बटर मिल्क मैं आटे में इसे यूज़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।